अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद सबील अफरीदी आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप लोगों को डॉक्टर मोहम्मद सबील ऑफिशियल में खुश आमदेद कहता हूँ। ये कुछ गोल्ड प्लेटेड प्लास्टिक मटेरियल है, इसका कोटिंग उतारने के लिए या ये प्लेटिंग उतारने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे किया जाता है। बाज़ चीज़ों पे मकदार ज़्यादा होता है, बाज़े पे कम होता है। कुछ लोग मकदारों के बारे में पूछते हैं कि इतने मकदार में कितना निकला कितना। हर कंपनी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हर कंपनी अपने हिसाब से उस पर चढ़ाते हैं। तो हम किसी को इतना नहीं बता सकते कि इतना वजन में इतना निकलेगा, इसलिए कि किसी में कम निकल सकता है, किसी में ज़्यादा निकल सकते हैं। जो भी बंदा काम करे अपने अपनी जिम्मेदारी पे करें और पहले अपना तजुर्बा करके उसके बाद क्या करें। हम लोगों के पीछे नहीं जाना, हम सिर्फ तरीका बताते हैं, उस तरीके के पीछे जाना है तुम लोगों को। तो अभी मैं ये इस प्लास्टिक मटेरियल है जिस पे गोल्ड प्लेटिंग है और इसका कोटिंग उतारने का तरीका ये है। इस बीकर में मैंने तकरीबन लिया है कोई 400 मिलीलीटर पानी, सादा पानी है, और ये इसमें मैं डाल देता हूँ। इस तरह के बीकर में डाल दें, कुछ है कोटिंग थोड़ा कमज़ोर है, कुछ का बहुत ज़्यादा है। और ये है नाइट्रिक एसिड, शुरे का तेज़ाब 100 मिलीलीटर, ये इसमें मैं डाल देता हूँ। अब ये तकरीबन कंप्लीट हो गया, लेकिन ये इतनी जल्दी काम नहीं करेगा। इसको हम छोड़ देते हैं तकरीबन 3-4 दिन के लिए, हम इसको छोड़ देते हैं। फिर इसका कोटिंग पूरा उतरेगा, फिर हम इसको इंशाल्लाह आपको दिखा देंगे। फिर उसका जो एक परिजा होगा, जो भी होगा, वो बाकी तरीके उस वक्त इंशाल्लाह बता देंगे। अभी इसको हम रख देते हैं 2-3 दिन के लिए ताकि इसका कोटिंग उतर जाए। ये इसका आखिरी तीसरा दिन है और ये सारा कोटिंग जो है या प्लेटिंग जो है उतर गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे उतर गया है इसका ये प्लेटिंग। यस, गोल्ड प्लेटिंग जो उतर गया है, कैसे वाज़े नज़र आ रहा है, बड़ी खूबसूरत तरीका है। इसमें मैंने करीबन 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा शुरे का तेज़ाब डाला था। अगर शुरे का तेज़ाब थोड़ा कम डाला जाए भी तो बेहतर काम करता है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा लेकिन बेहतर काम होगा। लेकिन हमें अक्सर जल्दी होती है वीडियो शॉट करने के लिए और दूसरे कामों के लिए, तो हम इस तरह के जल्दबाजी करते हैं। अभी इसको हम फिल्टर कर रहे हैं और इंशाल्लाह फिल्टर के बाद हम फिर इसका एक बार रिजा करेंगे।
अब ये फिल्टर हो गया और इस फिल्टर को हम अभी एक्वारिजा कर देते हैं। इसमें ये फिल्टर का जो इजाफिक हिस्सा है ये हम थोड़ा काट ले रहे हैं ताकि कम हो जाए। पहले हमने एक दफ़ा बनाया था वीडियो जिसमें हमने फिल्टर जलाया था, इसमें हम जलाने के बजाय डायरेक्ट डाल देते हैं थोड़ा कम करके। जो फजूल हिस्से है इसका हम काट देते हैं। बस अब ये बराबर हो गया, इसको हम को बीकर में डाल देते हैं, बीकर में डाल देते हैं ताकि इसको एक बार ही करें हम। अब इसके लिए हम एक बार ही बना देते हैं। एक्वारिजा मैं हर वीडियो में बता देता हूँ कि क्या चीज़ होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि एक्वारिजा क्या होता है। एक्वारिजा तीन हिस्से हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नमक का तेजाब और एक हिस्सा शोरे का तेजाब मिला के एक्वारिजा बनता है। तो अभी इसके लिए हम एक्वारिजा बनाते हैं। फिल्टर बीकर में डाल दिया, इसके लिए एक्वारिजा बना रहे हैं। ये हम डाल रहे हैं 90 मिलीलीटर नमक का तेजाब यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये हो गया 90 मिलीलीटर। इसमें हम डालेंगे फिर 30 मिलीलीटर शोरे का तेजाब। जब हम शोरे का तेजाब 30 मिलीलीटर इसमें डाल देंगे तो ये एक्वारिजा बन जाएगा। इस एक्वारिजा को R सॉल्यूशन या रॉयल वाटर भी कहते हैं। ये हो गया 30 मिलीलीटर शोरे का तेजाब नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड यानी शोरे का तेजाब। ये बन गया अब एक्वारिजा। ये एक्वारिजा हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि आपस में इसका रिएक्शन मुकम्मल हो जाए। फिर इस फिल्टर पेपर जिसमें गोल्ड के छलके पड़े हुए हैं या गोल्ड कोटिंग पड़ा हुआ है उसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा, ताकि एक बार तरह से बराबर हो जाए। हाँ, एक्वारिजा तैयार हो गया। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डाल लेते हैं। आप देखते हैं कि गोल्ड कैसे डिसॉल्व हो जाता है। गोल्ड चला गया, गोल्ड डिसॉल्व हो गए।
टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि इसमें वाकई गोल्ड है या नहीं है। ये स्टेनियस क्लोराइड या 10 क्लोराइड्स सॉल्यूशन है, हम इसके ऊपर डाल देते हैं। सॉल्यूशन थोड़ा पुराना है, एक्सपायर है, तो इस वजह से थोड़े रिएक्शन में थोड़ा टाइम लेता है। ये सॉल्यूशन जो मैंने बनाया था काफ़ी टाइम हो गया था, अभी हमें दोबारा नया बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट देता है। मकसद ये हुआ कि इसमें काफ़ी मिकदार में गोल्ड है। इसके लिए कॉटन का फिल्टर पेपर बना देते हैं। इसमें अब हम यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया, और ये आहिस्ता आहिस्ता डालना होता है। कभी कभार ये सॉल्यूशन जोश मारता है, और ये एक दानेदार केमिकल है, और ये अक्सर खेतों में लोग डालते हैं। ये केमिकल खाद है, फर्टिलाइज़र है, और ये इसमें इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके डालने से ये तेजाब न्यूट्रल हो जाता है, और जब हम इसमें गोल्ड बैठा देते हैं तो फिर वो तेजाब न्यूट्रल होता है, गोल्ड को दोबारा डिसॉल्व नहीं करते, तो इसलिए ये हम इसमें डाल देते हैं। इसकी मकदार कोई ख़ास मकदार नहीं है, ये तब तक डालना पड़ता है जब तक तेजाब जोश मारता रहता है, और जब तेजाब का जोश ख़त्म हो जाए, समझो कि तेजाब न्यूट्रल हो गया, फिर यूरिया डालना बंद कर दें। ये SMB है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। पहले हम ये भी डालते थे और ये भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आज हम आयरन सल्फेट, जो सोने को प्रेसिपिटेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। मुख्तलिफ लोग SMB इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल कर देते हैं। कोई हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, कोई ये है आयरन सल्फेट, तो हम भी आयरन सल्फेट इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डिज़ोल्व कर देते हैं। ये है आयरन सल्फेट, ये है वाटर पानी, ये हम इसमें डिज़ोल्व करके अभी इसमें हम डाल देते हैं।
सेक्शन हो गया। अब इसको हम 5-6 घंटे के लिए छोड़ जाते हैं या पूरी रात के लिए छोड़ देंगे, बस इसमें जो गोल्ड है वो नीचे बैठ जाएगा। फिर हम उसको इंशाल्लाह अगर मकदार में ज़्यादा हो पैक ला देंगे, कम हो तो फिर हम अपने पुराने स्टॉक के साथ जमा कर देंगे। ये 24 घंटे गुजरने के बाद आप जो डस्ट बैठा हुआ है गोल्ड का, आप उसको हम चेक करते हैं। इसे पानी इसमें हम डाल रहे हैं, अब इसको गर्म पानी से 3 दफ़ा धोना पड़ेगा, लेकिन मकदार कम है, निकला है बहुत खूबसूरत। इसको 3 दफ़ा गर्म पानी से धोने, फिर ड्राई करके, फिर इसी तरह पोटाली में डाल के और बर्नर से पिघला दें। लेकिन अभी हम इसको इसलिए नहीं पिघला दें कि ये है थोड़ा और हमारे साथ पुराना स्टॉक भी पड़ा हुआ है, ये उसके साथ जमा करके फिर हम इसको इकट्ठा ही पिघला देंगे। तो अब ये डस्ट इसमें जो बैठा हुआ है गोल्ड का डस्ट है, और इंशाल्लाह ये हम अगले प्रोसेस में फिर वो जो बाकी जमा होगा सारे के सारे इकट्ठा हम पिघला देंगे। फिर इसका इंशाल्लाह आपको हम प्रोसेस वो भी दिखा देंगे। और अभी वही पुरानी तरतीब से आप लोगों को याद दिला रहा हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए करीब करीब कंप्यूटर, मोबाइल और रैम, प्रोसेसर, ये सब की इंशाल्लाह सिलसिलावार वीडियो शुरू करवाने वाला हूँ। कुछ दिन बाद इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सब की सिलसिलावार वीडियो शुरू करवा दूँगा। वस्सलाम।